गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएमई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सर चेतन शर्मा। टुडे वीडियो फॉर द क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न द चैप्टर सेकंड नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि भाई मैटर क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। और मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें तो वो किस बेस पर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कर दिया था बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब नेचर में जो चेंजेस होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोगों का लास्ट और एंडिंग टॉपिक रह गया है, वो है प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस बच्चों, हम लोगों को अब यहाँ पर फाइनल हम लोग कंक्लूड रिजल्ट पर पहुँच गए हैं कि जो हमारे आसपास में जो भी मैटर दिख रहे हैं, है ना, तो वो प्योर फॉर्म में होते या नहीं होते, हम लोग कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने का वन ऑफ द बेस्ट मैथड है कि आप लोग उसको क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पता लगा सकते कि वो प्योर फॉर्म में होगा या नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम लोग ये श्योरली बोल सकते हैं कि ये जो मैटर का टाइप है वो कैसा है, प्योर फॉर्म में है या नहीं है। तो प्योर फॉर्म अगर लाना है किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का तो वो केमिकल प्रॉपर्टी से ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के हो गए बच्चों, एलिमेंट और कंपाउंड। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने मिक्सचर नहीं लिखा है, क्योंकि मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म होता है, किसी भी मैटर का इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं, ध्यान से सुनना, एटम और मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। अगर मान लो छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो पास में आ जाए, मिक्स हो जाए, कंबाइंड हो जाए, या मॉलिक्यूल्स हो जाए तो मॉलिक्यूल्स भी पास में जाते हैं, तो वो एलिमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट अब तक अपने नेचर में टोटल अप्रॉक्स में बता रहा हूँ आप लोगों को, कंफर्म तो चल ही रहा है अभी तक, तो फिक्स नहीं है क्योंकि इसकी डिस्कवरी चल रही है। तो 118 एलिमेंट्स अब तक अप्रॉक्स अपने नेचुरली ऑक्योर कर चुके हैं हम लोग। नेचुरली भी बोल सकते हो, कुछ मैनमेड भी बोल सकते हैं, सारे नेचुरली भी नहीं है, कुछ ह्यूमन बींग द्वारा भी क्रिएट किए गए। तो 120 एलिमेंट्स हम लोगों को अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। इसके पीछे भी आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोगों को कहानी पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से एलिमेंट आए, फिर उनको अरेंज कैसे किया गया, उनके लिए क्लासिफिकेशन कैसे निकाला गया, सब कुछ, ठीक है ना। तो 120 एलिमेंट्स में से इनको भी वापस डिवाइड किया हुआ है बच्चों। देखो 120 एलिमेंट्स कैसे डिवाइड किया हुआ है, मेटल में, सेमी मेटल, या आप लोग मेटलॉइड बोल दो, या फिर नॉन मेटल बोल सकते हो। तो मेटल कौन से हो गए, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में। मेटल्स जो जनरली हार्ड होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है ना, और जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, मेलेबल हो, मेलेबल का मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाते हो, डक्टाइल का मतलब होता है इनको हीट करने पर ये वायर में ड्रॉन हो जाते हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये चार्ज कैरी कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारे हैं, इनमें नोबल मेटल्स भी आएंगे बच्चों। नोबल मेटल का मतलब ये हो गया कि जो आसानी से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, केमिकली वो इनर्ट होते हैं, है ना, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे नोबल मेटल्स होते हैं जो कि आसानी से रिएक्ट नहीं करते। ध्यान सुनना, मेटल से एलॉय भी बनाए जाते हैं। एलॉय का मतलब क्या हो गया कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग होमोजीनियसली आप लोग अरेंज करना जा रहे हो, किन को आप होमोजीनियसली अरेंज कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आप लोग कंबाइन कर रहे हो इन द फिक्स फॉर्म ऑफ द रेशियो प्रोपोर्शनल में, तो वो एलॉय फॉर्म करता है, मिश्र धातु जिसको बोला जा सकता है, ब्रास है, ब्रोंज है, ये सब एलॉय के एग्जाम्पल हो गए। तो वो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल को एक फिक्स रेशियो में करके बनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को मेटल में दो चीज़ें और भी एडवांस में बता दी, एक एलॉय और एक नोबल मेटल्स। चलो नेक्स्ट, आगे हम लोग नॉन मेटल की बात करेंगे, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। तो नॉन मेटल कौन से हो गए, जो रिवर्स प्रॉपर्टी बताते हो मेटल की। मेटल मैंने अभी आपको बताया, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये सब अपोजिट हो गए। कैसे,
एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बहुत सारे होंगे, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा। अभी आप कहोगे कि सर मरकरी तो मेटल है लेकिन फिर भी वो लिक्विड फेज में ही आपने बोला सॉलिड होता है, नहीं एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, है ना। हम लोग एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नॉन मेटल्स कौन से हो गए, इसकी जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी बता दो। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेलेबल हो जाएंगे, मतलब शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, आप लोग प्लास्टिक देख लीजिए वगैरह देख लीजिए, नॉन डक्टाइल होंगे, इनके कोई वायर भी नहीं बनते, नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये हीट को ना तो हीट को पास करवाते हैं ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तो जनरली ये इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर बोल सकते हो। सल्फर हो गया, गंधक जिसको बोला जाता है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल वाले सेक्शन की। मिडिल वाला सेक्शन क्या बोलता है, ये सेमी मेटल कहलाता है। सेमी मेटल का मतलब ये हो गया, आधी प्रॉपर्टी ये मेटल की बता रहे हो और आधी प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल की बता रहे हैं। कैसे हो गया बच्चों, ये देखो ध्यान सुना, डेफिनेशन से पता चलेगा। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, आधी प्रॉपर्टी मेटल की बताएंगे और आधी प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल की। कई बार इनकी इनको अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ था। सेमी मेटल्स को हम लोग मेटलॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। तो यहाँ पर आप लोग मेटलॉइड भी आ जाता है तो कन्फ्यूज मत होना, बुक के अंदर एक ही बात है ना, मेटलॉइड्स, ठीक है ना, क्योंकि इनके एलॉइड्स बनाए जाते हैं, मेटल्स के एलॉइड्स का मतलब क्या, मेटलॉइड। एग्जाम्पल के तौर पर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने कहा ना आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, अरेंजमेंट है, बहुत प्रॉपर बेस है, ठीक है ना। हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल है, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में ही है, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को एलिमेंट का समझ में आ गया तो आप लोग कंपाउंड पर आ जाता है, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है। अगर मान लो मैं दो एलिमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ एच और एक ले लिया मैंने सीएल, अगर मैं इन दोनों दो एलिमेंट को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl, जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ हाइड्रोजन भी वन ही है और क्लोरीन भी वन ही है, तो यहाँ पर पूरा जो ये कंपाउंड बनेगा वो भी क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट में जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। अब डेफिनेशन पर आ जाते हैं, द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक प्रकार के कैसे सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस। बच्चों मैंने आपको कहा था कि हम लोग प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करें तो प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट फॉर्म में होंगे या कंपाउंड फॉर्म में होंगे, ठीक है। मिक्सचर मैंने अभी कहा था आप लोगों को इनिशियली वे में, मिक्सचर प्योर फॉर्म नहीं होगा, इम्प्योर फॉर्म होगा। चलो, द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ, अब ये कैसे बनते हैं, मेड अप ऑफ द टू और द मोर देन टू एलिमेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स बने। अब जैसे H2SO4 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो इनमें दो या से ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं। केमिकली दे आर फाउंड इन टू द डेफिनेट रेशियो, केमिकली ये बॉन्डेड होते हैं और केमिकली बॉन्ड बोले तो इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बना हुआ होगा, तभी तो ये अरेंज होंगे, नहीं तो कैसे ये रिएक्टिंग स्पीसीज प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। विदाउट बॉन्ड के नहीं हो सकता, पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा। कंपाउंड हैज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो यहाँ हम लोग एलिमेंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका क्लोरीन है तो क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन जैसे ये कंबाइन हो गया और ये इन्होंने HCl अगर फॉर्म कर दिया तो इस HCl का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाए, क्यों, अब ये जुड़ गए, ये कंपाउंड हो गया, ये कपल में आ गया, है ना। तो कंपाउंड इज अ होमोजीनियस, कंपाउंड एक प्रकार का कैसा है, होमोजीनियस, तो यहाँ पर तो अलग अलग था लेकिन यहाँ पर एक ही हो गया तो होमोजीनियसली। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज द डिफरेंट फ्रॉम द दोज इज द कंसिस्टेंट, कहने का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ हाइड्रोजन अपनी एक अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बता रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्लोरीन अपनी एक अलग आइडेंटिटी बता रहा है, एक अपनी अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये मेटल की तरह शो कर रहा है, ये नॉन मेटल की तरह शो कर रहा है, लेकिन जैसे ये कंबाइन हो गए, अब यहाँ जो HCl बनेगा इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव का होगा ना नेगेटिव का होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे ये मिलकर बना है, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या हो गया, जिससे ये बना है। तो HCl किससे बना है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं बताएगा, ये एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी ही बताएगा। तो HCl अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl ये मैंने सॉलिड का एग्जाम्पल भी लिखा है, कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। H2O ये मैंने लिक्विड का एग्जाम्पल लिखा है, तो कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और CO2 यानी कि गैस फॉर्म में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनके अलावा भी आप लोग कंपाउंड बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस को
टू पार्ट्स में पढ़ लिया। अब हम लोग इम्प्योर फॉर्म को भी पढ़ लेते हैं। तो मैटर का जो इम्प्योर फॉर्म होगा वो हम लोग नोट करते हैं। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ बच्चों, आप लोग एक बार जल्दी से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट आउट करो, फिर हम लोग इम्प्योर फॉर्म को भी ले लेते हैं फास्ट। ओके बच्चों, अब हमारा जो लास्ट वीडियो का मतलब आप लोग ये समझ लें वीडियो का भी एंडिंग पॉइंट है और चैप्टर का भी एंडिंग पॉइंट है, इम्प्योर फॉर्म हम लोग डिस्कस कर देते हैं। सारे के सारे मैटर जो हैं वो प्योर फॉर्म में भी नहीं होते, मैटर के इम्प्योर फॉर्म भी तो साथ में पाए जाएंगे। तो मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होती है वो मिक्सचर कहलाती है बच्चों। क्यों है उसके पीछे मैंने ये रीज़न लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनना। मिक्सचर का मतलब हो जाएगा मिश्रण। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मिक्स किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो इट इज़ द मेड अप ऑफ द टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। यहाँ पर एलिमेंट्स भी आकर जुड़ सकते हैं और कंपाउंड भी आकर जुड़ सकते हैं। तो वो जनरली क्या चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, मिक्सर फॉर्म कर रहे हैं। मजे की बात ये होती है बच्चों कि जब ये मिक्स होते हैं तो इनमें रेशियो या प्रोपोर्शन जो होता है वो कोई फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में किसी भी प्रोपोर्शन में आकर ये जुड़ सकते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर चलो देख ही लो आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लो शुगर सॉल्यूशन लूँ, तो शुगर सॉल्यूशन में वाटर भी होगा, शुगर भी होगा, चलो शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेता हूँ, तो सॉल्ट भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये भी कंपाउंड आ रहा है, ये भी कंपाउंड आ रहा है, ये भी कंपाउंड आ रहा है। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आएंगे उनके साथ में उनके एलिमेंट्स भी आएंगे, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उनमें रेशियो नहीं देखा जाएगा, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, कौन क्वांटिटी ज़्यादा है कौन क्वांटिटी कम है पता नहीं। तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर आर मे बी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। तो मिक्सचर दो तरह से फॉर्म्ड हो सकता है, एक होमोजीनियसली अरेंजमेंट हो सकता है और एक हेटरोजीनियसली अरेंज हो सकता है। यानी मिक्सचर को भी आप लोग फिक्स रेशियो में ले सकते हो और फिक्स रेशियो में नहीं भी आएगा, यानी कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। अगला ले लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंसिस्टेंट सब्सटेंस आर रिटेन। इसमें मजे की बात ये होती है बच्चों कि जब जैसे मैं शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो इसमें तीन चीज़ें ऐड की, वाटर शुगर और सॉल्ट, तो इन तीनों की भी प्रॉपर्टी रहेगी इसके मिक्सचर के अंदर, यानी इस मिक्सचर के अंदर तीनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। जबकि कंपाउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एलिमेंट से जो कंपाउंड बना था, कंपाउंड अपनी एक अलग प्रॉपर्टी बताएगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, लेकिन ये तो सब कंपाउंड ही है। तो कंपाउंड कंपाउंड अगर आएंगे तो वो एक ही प्रॉपर्टी को बताएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, सेम रहती है, क्योंकि ये कंपाउंड है ना। आगे जाते हैं, एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द एनी फिजिकल मेथड। आप लोग कोई भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस लगा के इनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। जैसे सॉल्ट को अलग किया जा सकता है, शुगर को अलग किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा इवेपोरेशन प्रोसेस से सॉल्ट जो होता है वो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सी वाटर से, है ना। तो कहने का मतलब है सिंपल प्रोसेस आप लोगों ने इस चैप्टर में मेथड भी पढ़े हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के, आप लोग पढ़ना। मैंने आपको बताया था हैंड पिकिंग होता है, या मतलब मान लो आप लोगों के सीविंग है, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको बताए थे। वो सारे फिजिकल मेथड जो होंगे वो कहीं ना कहीं सेपरेट करने में काम आएंगे, किसको, मिक्सचर को। तो मिक्सचर में से एलिमेंट को सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग। इट डज नॉट हैव अ सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो कंपाउंड का तो मैंने बताया आप लोगों को कि अगर ये सिंगल, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ या वाटर अकेला लेता हूँ, तो वाटर का आप लोगों को मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को मालूम था, इसकी सर्टेनिटी आपको मालूम थी, लेकिन मैंने कहा मैंने वाटर के साथ में शुगर भी ले लिया और सॉल्ट भी ले लिया, तो अब ये मिक्सर बन गया। तो इनका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज हो जाएगा, सर्टेन नहीं रहेगा, सर्टेन का मतलब था फिक्स नहीं रहेगा। तो ये आप लोगों का इसके साथ ये ख़त्म होता है। फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को भी एंड कर दिया विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मेरा जब वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को। ओके बच्चों, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, खूब पढ़ो, खूब मस्त रहो। आज आप लोगों का ये चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, नहीं समझ आया शुरुआत से वापस से रिवाइंड करके एक बार देखना, रिवाइज करना, चैप्टर के नोट्स बनाना, अच्छे से एक एक चीज़ समझाई हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इसी चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।